दिया जला दिया जला। मित्र बीरबल, हमने ये सुना है कि आप ढूंढ रहे हैं अपना छोटा बीरबल। मित्र तानसेन, झांपना ने हमें आदेश दिया है कि बिल्कुल हमारी ही तरह एक बुद्धिमान, हाजिर जवाब और चतुर छोटा बीरबल ढूंढ लाएं। आप जाके ढूंढिए अपना छोटा बीरबल, हम जाके ढूंढते हैं हमारा नया राग जिसमें हो सुरों का बल। मित्र तानसेन तो चले गए, पर हमारे आज के तीनों उम्मीदवार यहां आ चुके हैं, तो देखते हैं किसे मिलती है आज बीरबल की मूछ और कौन बनता है आज हाजिर जवाब छोटा बीरबल। तो बिना वक्त गवाए दोस्तों, मिलते हैं आज के तीनों उम्मीदवारों से। सबसे पहले बुलाते हैं मोहम्मद सौद को। हाय, मेरा नाम है मोहम्मद सौद, मेरी उम्र है 8 साल, मैं छोटा बीरबल बनना चाहता हूँ क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट है और मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। कैसा लग रहा है आपको इस मंच पे आके? बहुत अच्छा। बहुत यानी कितना? बहुत। ओ, इतना वाला बहुत। आपको क्या लगता है, आप छोटा बीरबल बन सकते हैं? बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी इंटेलिजेंट हूँ और जो छोटा बीरबल होना चाहिए उसे भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आप कितने होशियार हो, और होशियारी का मुकाबला करने के लिए आपके साथ यहाँ पर दूसरा प्रतियोगी कौन है। तो बुलाते हैं हमारे आज के दूसरे प्रतियोगी को, अशरीफा। हेलो, मेरा नाम अशरीफा खान है, मैं 10 इयर्स की हूँ। मैं बीरबल इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत स्वीट है, उनकी मूछें कितनी क्यूट है और उनकी पगड़ी भी बहुत स्वीट है। आपका नाम है अरिश्वा, बड़ा ही अद्भुत नाम है आपका, इसका मतलब क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। आपको आपके नाम का मतलब नहीं पता, तो किसे पता? जो मेरी नानी है ना, उनकी मम्मी को, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम रखा ना। तो आपकी परनानी से कभी किसी ने पूछा नहीं इस नाम का मतलब? नहीं, मैं पूछती थी, वो तो गांव में रहती है ना, तो अभी भी है वो? हाँ, अभी भी है। अच्छा ये बताइए अरिश्वा, कि आपको और क्या करना अच्छा लगता है? मुझे डांस करना पसंद है, एक्टिंग करना पसंद है और राइटिंग करना। लिखती हैं आप? क्या हाँ, लिखती हैं? मतलब 1-1 पेज राइटिंग लिखते हैं ना, तो मैं रोज लिखती हूँ उसको ताकि मेरी राइटिंग। आपको लिखना पसंद है, सिर्फ पेजे भरो। हाँ। आज मैंने एक पेज भरा, हो गई मेरी राइटिंग, कल दूसरी पेज भरूंगी, हो गई। हाँ। मतलब आप सिर्फ ऐसे लिखती हो ताकि मेरी राइटिंग और अच्छी हो। पर हस्ताक्षर अच्छे होने के लिए आप कुछ और भी कर सकती हैं, जैसे वो अलग अलग किस्म की तस्वीरें बना सकती हैं। वो मुझे ड्राइंग तो बहुत अच्छी आती है। ये बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता? मुझे वो कूड़ा कबाड़ा रहता है ना रोड पे, वो गंदा लगता है। कूड़ा कबाड़ा जो साइड साइड में होता है, तो पब्लिक प्लेस पर गंदगी करना तो वैसे ही बुरी बात है, तो आपको उनके जाके मेरे पास एक आइडिया है, अगर इनका नाम का मतलब ही नहीं। आप अभी भी नाम पे अटके हैं, समस्या आगे बढ़ चुकी है, अभी भी नाम पे है। इनको इनके नाम का मतलब नहीं पता, तो इनके डिक्शनरी जो होता है ना, डिक्शनरी, डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? आप ये सोचिए कि डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं, तब तक हम इनसे बात करके आते हैं, जैसे जवाब मिल जाए हमें बताना। मैं आपको एक सवाल पूछूं? पूछे। ये एक एरोप्लेन है, उसके अंदर 50 ईंट है, एक ईंट गिरी कितने बचे? 50 में से एक ईंट नीचे गिर गई तो 49 बचे। 49 मतलब? 49 यानी आज की भाषा 49। अच्छा 49। डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? नो आईडिया। सोचिए। तो 49 बचे। हाँ, उसके बाद एक फ्रिज है, वो एकदम हाथी के बराबर है और उसके अंदर 3 तरीकों में हाथी को बंद करने, कैसे बंद करेंगे? हम तो एक ही तरीके में बंद कर सकते हैं। नहीं, 3 ही है ना, ये सवाल है। 3 तरीके में। हाँ। हाथी को पहले फ्रिज। हाँ। फ्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रिज को, हाँ मुझे पता है, सब्जियां रखने का सामान। फ्रिज को हिंदी में कहते हैं सब्जियां रखने का सामान। हाँ। तो ढेले को क्या कहते हैं? तो ढेले और फ्रिज में कोई फर्क नहीं।
मतलब ढेला कर घर पे लेके आओ तो वो फ्रिज बन जाता। नहीं नहीं, फ्रिज। डिक्शनरी को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? सोचिए। आप कुछ पूछ रही थी हमसे। हाथी वाला। तो तीन तरीके में पहले हाथी को फ्रिज के अंदर बंद करना है। पहले हाथी को फ्रिज के पास लाइए, फ्रिज का दरवाजा खोलिए, हाथी को अंदर डालिए, बंद कर दीजिए। तीन तरीके से हाथी फ्रिज के अंदर। गलत, पास। हम दोनों तो पास पास ही हैं, बताइए। हाँ। चलो देखो, फ्रिज को खोला, हाथी को डाला, फ्रिज को बंद कर दिया, सिंपल। पर आप तो देखो, पहले आप लाए। हमने फारसी भाषा में कहा था। नहीं, पहले आप लाए भी तो उधर लाए नहीं थे, उधर ही था वो हाथी, खड़ा था। मैं जाऊंगा। चलिए ठीक। उसके बाद एक फॉक्स भेड़िया को फ्रिज के अंदर बंद करना है। चार तरीके। ये पहली है कि कहानी एक ही, आप हम जानते हैं कि आप पेज भरती हैं, पर यहाँ पर एक ही सवाल है ये पूरा, इसलिए चार तरीकों में। अब इस बार हम भेड़िए को लाएंगे, फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे, नहीं पांच हो जाएंगे, हम दरवाजा खोलेंगे, हाथी को बाहर निकालेंगे, भेड़िए को अंदर डालेंगे और दरवाजा बंद करेंगे। उसके बाद का सवाल पूछूं? आपकी पहेली हम सुलझाएंगे, वादा करते हैं आपसे, लेकिन इससे पहले आप दोनों के साथ हमारे तीसरे प्रतियोगी यहाँ आने वाले हैं, उनका स्वागत करते हैं। देखते हैं कि वो किस तरह से हमसे सवाल पूछते हैं और कैसे हमारे सवालों का जवाब देते हैं। तो दोस्तों, मिलिए आज के तीसरे प्रतियोगी से, ऋषभ। मेरा नाम ऋषभ गोविंद नाइक है, मैं 8 इयर्स का हूँ। मैं बिरबल इसलिए बनना चाहता हूँ कि जो समझदार लोग है उसे ही बिरबल कहा जाता है। ये बताइए कि आप ऐसे हाथ बांध कर क्यों आ रहे थे? ये जमाने की स्टाइल है, न्यू स्टाइल। हम लोग मतलब कितने लोग हैं आप? कितने लोग हैं? मैं हूँ। हम लोग कहा? एक क्वेश्चन है, यहाँ सब आते हैं, हमें पहले और सवाल क्यों पूछते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, हम क्या क्या है? हमें आपकी कहावत में सुना था कि आप बुद्धिमान हैं। किसे सुना? हाँ, किसे सुना? मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि अकबर बहुत इंटेलिजेंट है। अकबर बहुत इंटेलिजेंट, तो आप अकबर हो कि बिरबल हो? आप यहाँ क्या बनने हैं? मैं छोटा बिरबल। तो किससे मिलने आए थे? आपसे। और किससे? हम कौन है? अकबर। हम अकबर है। अकबर का कभी पेट इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता। आपने हमारे जापना को देखा है? हाँ, सीरियल में। आप इनसे पूछना चाहते हैं कि हम कौन है? हाँ? जरा बताए। नहीं नहीं, ऋषभ आप छोटा बिरबल बनना चाहते हैं? हाँ। आपने कोई तैयारी की है छोटा बिरबल बनने की? बहुत सी की है। जैसे? जैसे कि मैंने एक्टिंग की है, बहुत सब कुछ किया है। आपको लगता है? स्टंट भी मारा है बीरबल का। बीरबल कौन सी उछल कूद करता है? बीरबल वही उछल कूद कर जाएगा एक कुछ समय। ओके। हाँ जी। सुसु। हाँ? सुसु। सुसु। समस्या गंभीर है। मोहम्मद साउद जो है वो सुसु के बहाने पैखाने में जाकर सोचना चाहते हैं कि डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि इनको अक्सर अच्छे अच्छे ख्याल वहीं आते हैं। चलिए ठीक है, समस्या तो गंभीर है, इन्हें जाने की इजाजत तो देनी पड़ेगी। आप लोग कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कि इंग्लिश की डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे ऋषभ से कि बीरबल कौन सी उछल कूद करता है।